प्रोजेक्ट पे तो आपने इनको समय दिया है कि आज बोल लेंगे जी मान्य। अरे मुख्यमंत्री जी बोल गए हैं, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं मान्य। कार्य स्थगन ले लीजिए, उसके बाद इस पर अब वो तय कर लिया गया सर। आप वहाँ हाँ किए थे, बोलने वही जो प्रॉब्लम आप लोगों की थी वही इनकी। कार्य स्थगन पहले ले लीजिए ना, बाद में ले लीजिए, इसके ठीक बाद ले लेते हैं। चर्चा तो बाद में होती है, चर्चा नहीं है वो, चर्चा का जवाब दे रहे हैं तो ये तो कंक्लूड कर रहे हैं, चर्चा का जवाब दे रहे हैं। 15-20 जवाब तो कल मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं, उसे वित्त मंत्री के रूप में ये चर्चा का उत्तर देंगे। वित्त मंत्री के रूप में समापन कर रहा है, वित्त मंत्री के रूप में कंक्लूड कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए, वित्त मंत्री के रूप में ये कर रहे हैं। जब कभी आगे चर्चा विभागवार भी तो होनी है, उसमें आप बोलिएगा। आपको हमने समय दे रखा, हमारा कमिटमेंट है कि आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी बोलिए। ये वर्ष 2020-21 के अनुदान मांगों पर वर्ष 2020-21 के जो बजट माननीय 18 तारीख को प्रस्तुत किया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, कल उस चर्चा में विशेष रूप से भाग लेकर सरकार का पक्ष बहुत व्यापक रूप से रखा। लेकिन माननीय परंपरा यह है कि वित्त मंत्री जो बजट रखते हैं उनको इस चर्चा का समारोह करना होता है, उसी का पालन करते हुए माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से खड़ा हुआ हूं। और विशेष रूप से नहीं, इनको कोई आप लोगों कोई आपत्ति नहीं है ना? अगर आपत्ति हो तो नियम 187 की उपधारा 2 देख लो। चार पांच बातों पर विशेष रूप से माननीय चार पांच बातों पर माननीय विशेष रूप से हम फोकस करना चाहते हैं इस समारोह। माननीय पक्ष और विपक्ष के 70 से अधिक लोगों ने इसमें बजट चर्चा में भाग लिया। माननीय इस पूरी संसार को समझने के लिए कई दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण समग्रता का है, जो हम पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक मान सकते हैं माननीय, उसको समग्रता में देखने का। और दूसरा दृष्टिकोण है माननीय खंड में विभाजित करके देखने का, कि किसी न किसी रूप में हम वर्गों में, समुदाय में, जातियों में बांट के देखने का माननीय। तो जो हमने माननीय बजट प्रस्तुत किया है माननीय, उसका आधार विशेष रूप से निर्धनता का है, कि हमने निर्धन व्यक्ति को आधार मानकर बजट प्रस्तुत किया माननीय, और एक समग्रता में बजट प्रस्तुत किया माननीय, पूरा इन टोटल, इन टोटलिटी में यह बजट प्रस्तुत किया। हमारे विपक्ष के लोगों को जो दूसरा दृष्टिकोण है, बांट के देखना, किसी न किसी रूप के समाज को विभाजित करके देखना, समाज को खंडित करके देखना, अलग अलग खंड में समाज को देखना, ये दृष्टिकोण माननीय आपका है माननीय। लेकिन हमने जो बजट चर्चा में विशेष रूप से माननीय फोकस किया, वो इस बात पर कि हम समग्रता में देखते हैं माननीय। और भगवान कृष्ण ने, हमारे नेता विपक्ष ने गीता की बहुत सी बातें कोट की, कई रामचरितमानस भी कोट किया। भगवान कृष्ण ने माननीय गीता में कहा था कि जो इस संसार को अखंड देखता है वही सही देखता है, जो इसे विभाजित देखता है
वो सही नहीं देखता है। मनवर हम एक समग्रता में देखते हैं और इन टोटलिटी में ही हमने ये कोशिश की है कि निर्धन को आधार मानकर, गरीब व्यक्ति को आधार मानकर हमने ये मनवर बजट आपके समक्ष 18 तारीख को 5,00,000 करोड़ से अधिक का प्रस्तुत किया। ये इसमें विशेष रूप से मानवर विकास की रीढ़ और विकास का आधार शिक्षा है। मानवर अगर आप गौर करें मानवर तो 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था हमने शिक्षा के ऊपर की है और शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है विकास के लिए, इसलिए हमने विशेष रूप से मानवर शिक्षा के ऊपर फोकस किया है। मानवर इसमें चिकित्सा शिक्षा को भी अगर शामिल कर लें तो निश्चित रूप से ये बजट 84,000 करोड़ रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च होगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और ये हमारी नियत और दशा शो करता है। मानवर मानवर हमने बेसिक प्राइमरी शिक्षा के बारे में यहां बहुत से सवाल उठाते रहे हैं पिछली सरकारों में। मैं आपका विशेष रूप से मानवर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हर तरह से इस बात की कोशिश की गई कि बेसिक शिक्षा खास तौर से मजबूत हो, आदमी की बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि अगर बुनियाद आदमी की मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आगे की शिक्षा उसके लिए आसान होती चली जाएगी। और इसलिए जो बेसिक प्राइमरी स्कूल की आवश्यकताएं थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया। कायाकल्प योजना के तहत लगभग 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, फर्श, पेंटिंग, पीने का पानी, किचन आदि के माध्यम से उनको सुदृढ़ और सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया तथा 15,000 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित मानवर किया गया। NCERT पाठ्यक्रम जो है वो मानवर लागू किए जाने का पूरी तरह से प्रयास है। फीस विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2018 लागू किया गया। साथ ही साथ मानवर इंटरमीडिएट तक की परीक्षाओं के लिए मानवर आपने देखा वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं और किस कदर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन परीक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हर संभव प्रयास किए गए हैं कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति नकल करके पास न हो सके और नकल जो है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के, चाहे CCTV कैमरे लगाना हो, चाहे जनपद के मजिस्ट्रेट्स को, विभिन्न SDMs को, सिटी मजिस्ट्रेट को स्कूलों का चार्ज देना हो, और हर कोशिश की गई कि यहाँ पर कमांड कंट्रोल एक सेंटर स्थापित किया गया कि हम पूरे प्रदेश के जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं और जहाँ पर भी ये परीक्षा के केंद्र बनाए गए उनको यहाँ से देखा जा सके, ताकि पूरे प्रदेश में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोग पास हों वो कम से कम ये कह सकें कि हम योगी जी की सरकार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हमने पास किया। वो अपने आप में इस बात पर गौरवान्वित महसूस करें कि हमको लोग वाकई अगर हमारे पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है तो शिक्षित समझा जाए। साथ ही साथ मानवर 193 नए इंटर कॉलेज संचालित किए गए, 55 नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्वीकृति दी गई मानवर, और 7 विश्वविद्यालय खोलने का भी मानवर व्यवस्था की गई। इसमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, अलीगढ़ में, सहारनपुर और आजमगढ़ तथा लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो मैं विशेष रूप से इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि विकास का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है, उसमें इस बजट को विशेष महत्व दिया गया है। लगभग 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था मानवर इसलिए की गई। मानवर हमारे विपक्ष के लोगों ने बजट को दिशाहीन बताया, ये भी बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि जिससे प्रदेश का विकास हो सके। मानवर जिस दिन से ये सरकार आई है
हमने पूरा पूरा इस बात पर ध्यान दिया है कि कृषि हमारे विकास की रीढ़ है, कि गांव गरीब किसान हर हालत में खुश रहे, संपन्न रहे, और उसको केवल टेम्परेरी तौर से सुधार न किया जा सके बल्कि बुनियादी तौर से जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको खास तौर से फोकस करके उसको मजबूत किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि वो प्रगति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो सके। मनवर हमने ये कोशिश की, हमने वादा किया था चुनाव में कर्जा माफी का, 44,54,000 लोगों का 1,00,000 रुपए तक का जो कर्जा था मान्यवर उसको माफ किया, और इसके साथ साथ मान्यवर जैसे ही केंद्र ने और हमारी पार्टी ने यह महसूस किया कि अभी भी किसानों को और अधिक मदद की आवश्यकता है तो इसके लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा की मान्यवर, और वो परमानेंट घोषणा की कि ये नहीं है कि हमने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में 1,85,75,000 किसानों को उनके खाते में 11,680 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित करके पूरे देश और दुनिया को इस बात को दिखाया भी है मान्यवर कि किसानों के लिए इससे बढ़िया और इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं कि किसान के ऊपर ये बोझ पड़ गया, ये बोझ पड़ गया, ये बोझ पड़ गया। हमने इस तरह से नहीं किया कि हम किसी को बेरोजगारी भत्ता देकर केवल तात्कालिक रूप से खुश करें, लेकिन हमने एक परमानेंट व्यवस्था किसानों के लिए की है कि जो 6,000 रुपए साल उनको किसानों को मिलेगा। मान्यवर मान्यवर ये मृदा परीक्षण कार्ड 4 करोड़ से अधिक लोगों को किसान के लिए इस मृदा परीक्षण कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड को वितरित करके ये व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र मान्यवर बहुत होता रहा, अब उसको ऐच्छिक भी कर दिया गया है, उसके ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं है। साथ ही साथ वर्ष 2018 में खरीफ में 5,69,000 किसानों को 434.27 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के भुगतान में दिया गया। रवि की फसल 18-19 में 39,000 किसानों को 18,39,00,000 रुपये मिला तथा खरीफ 2019 में 1,55,000 किसानों को 55 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जा चुका है। रवि 2019-20 में जनवरी तक 19,91,000 बीमित किसानों को 15,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया जा चुका है। मान्यवर मान्यवर किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ये व्यवस्था की कि जो प्रीमियम था उसको घटाया और मुआवजे की राशि मान्यवर बढ़ाई, मान्यवर हम विशेष रूप से इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने हर हालत में किसानों को खास तौर से पूरी तरीके से स्ट्रेंथन करने का काम किया है। हमारे बसपा के मित्रों ने खास तौर से माननीय नेता विपक्ष ने नेता बसपा ने वर्मा जी ने भी खास तौर से इस बात को फोकस किया था किसानों के लिए। आज मैं विशेष रूप से उद्गृत करना चाहता हूं कि चीनी मिलों का बिक्री हुई मान्यवर, 21 चीनी मिलें बेची गई बसपा के शासन, और सीएजी की रिपोर्ट जो है मान्यवर उसमें 1,169.84 करोड़ की कमी ये दर्शाई गई मान्यवर। सीएजी की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक वैधानिक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका हम संज्ञान लेते हैं, उसके लिए कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी उस बात का परीक्षण करती है कि हम इसको किस प्रकार से सजा दें। वो विधानसभा का एक मिनिएचर होता है मान्यवर, और उस सीएजी की रिपोर्ट में इस बात को उद्घृत किया गया है। ये मान्यवर इसमें 2 FIR भी पंजीकृत हुई हैं, और दोनों में जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं मान्यवर वो उसमें मुलजिम में बनाए गए हैं। मान्यवर इस बात को खास तौर से उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और हमने चाहे गन्ना किसान हो चाहे खेती से संबंधित दूसरे फसल उगाने वाले लोग हों, हमने सभी का ध्यान रखते हुए मान्यवर ये कोशिश की कि किसान को हर हालत में मान्यवर
स्ट्रेंथन किया जाए। मानवर नगर विकास के बारे में दो तीन बातें कहना जरूर चाहता हूं। मानवर जब से योगी जी की सरकार आई है हमने लगातार नगर विकास के ऊपर फोकस किया और केंद्र ने 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए थे मानवर, लेकिन माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जितने नगर निगम हैं जो 10 स्मार्ट सिटी केंद्र ने घोषित किए थे नगर निगम, उसके अतिरिक्त 7 नगर निगमों को प्रदेश सरकार ने स्मार्ट घोषित करके उसको हर प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास किया है। ये मान्यवर बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक शहरी क्षेत्र में 15,10,115 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है मान्यवर कि इतने बड़ी आबादी को मान्यवर आवास की सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ मान्यवर अमृत योजना के तहत प्रदेश में 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 60 शहरों को पेयजल तथा सीवरेज योजनाएं, जिसमें से 158 पेयजल की तथा 228 परियोजनाएं सीवरेज की जो निर्माणाधीन है, जिसके लिए 11,421 करोड़ रुपए की व्यवस्था जून 2015 में की गई थी और 2020 तक ये योजना चलेगी। ये अपने आप में एक ऐसी योजना है कि जो शहरी क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज को विशेष रूप से स्ट्रेंथन करने का काम करेगी। मानवर इसमें लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और शाहजहानपुर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का निर्णय किया गया है मानवर, और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का प्रख्यापन किया गया। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का की व्यवस्था की जा रही है। ये मान्यवर हर हालत में हमारे जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है और इससे जो शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो निश्चित रूप से सुधरेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में पहले साल 3 लोकल बॉडीज को सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर और पिछले वर्ष मान्यवर 14 लोकल बॉडीज को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। गांधी जी के बाद सबसे ज़्यादा फोकस किया माननीय मोदी जी ने स्वच्छता पर और एक माहौल बनाने का काम किया, एक वातावरण क्रिएट करने का काम किया कि हम ये केवल सरकारी काम न रहे, ये आम जो जनता है पब्लिक का कार्यक्रम बने और सभी लोगों ने इसको महसूस भी किया। और आज भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है मान्यवर, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये स्वच्छता हम सभी लोगों को अपने कार्य व्यवहार में और अपनी दिनचर्या में इसको अंगीकार करना चाहिए और हर समय इसके प्रति जागरूक रहने की मान्यवर आवश्यकता है। अगर हम इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो बहुत कुछ हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मान्यवर चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है मान्यवर हमारे पास है और हम दो तीन बातें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहेंगे। मान्यवर हमने ये कोशिश की है कि कोई भी जांच उत्तर प्रदेश से बाहर न जाने पाए। हम छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए, आँख में अगर रेटिनोपैथी हो, रेटिना की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम साउथ इंडिया की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं मदुरई की तरफ, चेन्नई की तरफ। हालांकि जो मदुरई में अस्पताल खोला गया वो सीतापुर के जो संस्थापक रहे डॉक्टर महेश जी, उनसे ही उन्होंने ज्ञान अर्जित करके मदुरई में एक अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन आज वो अपनी सिंसियरिटी पंक्चुअलिटी के वजह से बहुत आगे निकल गए और हम उस क्षेत्र में इतने आगे नहीं निकल पाए। हम आज भी उधर की तरफ देखते हैं। तो हमारी कोशिश है मान्यवर, मैं 3 दिन जाकर रहा था मदुरई में, मैंने देखा, वहाँ से हैदराबाद भी गया था,
और हमारी हर कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की रेटिना की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लखनऊ KGMU, प्रयागराज और मेरठ, इन तीनों में हम अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक ही साल में रेटिना से संबंधित जितनी प्रॉब्लम अगर हिंदुस्तान के किसी में कोने में उसका इलाज हो सकता है तो वो हर हालत में उत्तर प्रदेश और खासतौर से लखनऊ में जरूर उसका इलाज हो, लखनऊ में उसका इलाज मान्यवर जरूर किया जाए। साथ ही साथ हम छोटी छोटी सी जांच के लिए कभी पूना देखते हैं, कभी दूसरा शहर देखते हैं। हमने स्ट्रिक्ट स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी भी हालत में हम दोनों अपने लोहिया में भी और PGI में भी ऐसी एक लैब स्थापित करेंगे जिसमें सभी प्रकार की जांच हम करवा सकें। किसी भी जांच के लिए हमको पूना या दूसरे किसी प्रांत में जाना न पड़े, ताकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं मानवर वो यहीं उसी प्रदेश में, इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में हो सकें। और इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं और धन की व्यवस्था भी मानवर कर दी गई। मानवर साथ साथ डायबिटीज़, हिंदुस्तान के हर पांचवा छठा आदमी किसी न किसी रूप में डायबिटीज से प्रभावित है मानवा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। और डायबिटीज से बहुत सी ज़्यादा बीमारियों को और अधिक बल मिलता जाता है, तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि एक एडवांस सेंटर PGI में खोलें इंडोक्राइन, और उसमें हर हालत में जितनी भी डायबिटीज से संबंधित बीमारियाँ हैं उन सारी की चीज़ों पर फोकस हो, उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके इलाज की व्यवस्था एक मुकम्मल इलाज की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी दूसरे प्रदेश की तरफ आदमी को देखने की स्थिति ना आए। मानवर कल भी मैंने हाउस में कहा था कि हम सीट बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, और आज मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मई तक हमने अभी तक जो हमारे ट्रामा में 60 बेड फंक्शनल हैं उन 60 बेड के स्थान पर 150 बेड हम हर हालत में 31 मई तक फंक्शनल कर देंगे, और ये 150 बेड हमको बहुत राहत देंगे। साथ ही साथ एक साल के अंदर जनवरी 2021 में हम 400 बेड इस एडवांस डायबिटिक सेंटर, एडवांस मेडिकल इंडोक्राइन सेंटर, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो डायबिटीज से प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, एक साल में मानवर हमने कल शाम को हमारे प्रमुख सचिव और डायरेक्टर PGI और वहां के CMS सबको बुलाकर इस बात के लिए टाइम शेड्यूल बनवा दिया, और हम स्वयं मॉनिटर करेंगे इस बात को कि हर 2 महीने में हम स्वयं मॉनिटर करेंगे और फोर्टनाइटली मॉनिटर करेंगे हमारे डायरेक्टर कि इसको किसी भी तरीके से लेट न होने दिया जाए। एक साल के अंदर हम 400 बेड PGI में बढ़ाने में हमने कहा है कि टाइम शेड्यूल दिया, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसको हम पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ लागू करने की कोशिश करेंगे। मानवर मेडिकल कॉलेज की बात आई चुकी है, हमारी अगर पहले की सरकारें इस बात में थोड़ी सी भी चिंता करती मानवर तो आज जो डॉक्टरों की कमी इतने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है वो शायद नहीं मिलती। तो अभी 7 मेडिकल कॉलेज तो मानवर प्रारंभ हुए और 8 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, इसके अतिरिक्त 13 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत हो चुके हैं, और कल जैसा कि नेता सदन ने बताया कि जो 16 उत्तर प्रदेश के बचे हुए जनपद हैं वहाँ भी PPP मॉडल में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको सभी जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज अगर हो जाएगा तो लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मानवर कानून व्यवस्था के संबंध में हमारे विपक्ष के लोग काफ़ी इस बात को उठाते रहे, काफ़ी उन्होंने आज हम फिर से मान्यवर कहना चाहते हैं, एक आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया था उसमें और हमने जांच भी करवाई मान्यवर, और मैं आज लेके भी आया हूं मान्यवर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और हमारे रिकॉर्ड में मान्यवर कोई परिवर्तन नहीं है।
ये दोनों हम लेके भी आए हैं मान्यवर, और हम आपको भेज भी देंगे आपके माध्यम से। उस दिन भी मैंने भेजा था, मैं भेज भी दूंगा मान्यवर। जो 304 बी की घटनाएं, जिसमें 7 साल के अंतर्गत लड़की चाहे आत्महत्या करे या उसकी मर्डर हो, जो 304 बी में मुकदमा पंजीकृत होता है, उसमें 2524 एनसीआरबी में भी हैं 2017 में, और हमारे वहां भी हैं। ये चाहे रेप के केसेस, किडनैपिंग के केसेस, इसमें कोई अंतर नहीं है मान्यवर। मैं आपको भेज देता हूं। वजह क्या है कि उन्होंने जो उनके हेड्स हैं, उनके हेड्स में और हमारे हेड्स में फर्क है। कुछ हेड्स उन्होंने अपने उसमें नहीं दर्शाए, हमने अलग अलग हर चीज को अलग अलग दर्शाया है मान्यवर। हमने दहेज व्रत को अलग दर्शाया, बलात्कार को अलग, शील भंग को अलग, अपहरण को अलग। जैसे छेड़खानी के विरुद्ध जो कार्रवाई हमने की है वो उन्होंने अपने उसमें ही शामिल कर लिया एनसीआरबी में, इसलिए वो आंकड़ा फर्क है, क्योंकि आंकड़ा तो यही से जाता है, और दोनों आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है। हम आपको मान्यवर दोनों भेजे देते हैं, और आप भी इसका परीक्षण कर लें, और हम नेता प्रतिपक्ष को भी, और हम आपको भी माननीय नेता बसपा को भी इस बात ये भेज देंगे, ये भी कम से कम देख लें। मैंने खास तौर से उनको तलब करके और इसमें स्पष्टीकरण मांगा था मान्यवर। मान्यवर जहां तक कानून व्यवस्था के प्रति सिंसियरिटी की बात है मान्यवर, तो मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में अपराध घटे हैं, चाहे दहेज मृत्यु हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे शील भंग हो, चाहे अपहरण हो, और चाहे हाँ ये चार विशेष रूप से इसमें बलात्कार में मान्यवर 2018 में 3946 एक 19 से लेकर और 31/12/19 तक की मान्यवर फिगर है ये। 2019 में 2858 हैं, जबकि 2018 में 3946 थे, 2017 में 4246 थे। ये बलात्कार की फिगर है मान्यवर। शील भंग में मान्यवर 12607 2017 का, 12555 2018 का, और 2019 का 11861। इसमें भी मान्यवर कमी है, और दहेज मृत्यु में भी मान्यवर पिछले वर्ष अर्थात 2018 में 2444 थी, 2017 में 2524 थी, और 2019 में 2375 है। तो हर तरह से मान्यवर, चाहे महिलाओं के प्रति हो और चाहे ओवरऑल जो अपराध की फिगर है मान्यवर, जो डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृहभेदन, इसमें सभी में मान्यवर कमी हुई है। डकैती में 2019 में 106 हैं, 2018 में 144 थी, 2017 में 248 थी, और आपके ज़माने में 263 थी 2016 में। मान्यवर लूट आपके ज़माने में 2016 में 4118 थी, 2017 में 4089, 2018 में 3218, 2019 में 2179। हत्या 2016 में 4679, 2017 में 4324, 2018 में 4018, और 2019 में 3663। मान्यवर बलवा आपके जमाने में 2016 में 7707, 2017 में 8890, 2018 में 8908, और 2019 में 5611। मान्यवर रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है, 2016 में एक हुआ था, उसके बाद 17, 18, 19 में कोई रोड होल्डअप नहीं। जब फिरौती के लिए अपहरण में आप 2016 में 53 था, 2017 में 46, 2018 में 32, 2019 में 33, इसलिए इसमें 37% की कमी मान्यवर आई है। मान्यवर दहेज मृत्यु बलात्कार हम बता चुके हैं मान्यवर, तो इसलिए कुल मिलाकर अपराधों की
स्थिति मानवर यह है, निरंतर हमारे शासन में योगी जी की सरकार में निरंतर अपराध कम हुए हैं। मानवर जहाँ तक जो हमने अपराध जीरो टॉलरेंस की बात कही है मानवर, उसमें आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 के दो आरोपितों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजाएं दी गई। वर्ष 2019 में जो लोग आरोपित हुए उसमें 3 को मृत्युदंड, 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजाएं दी गई। प्रदेश में जो बेसिक पुलिसिंग की स्थिति है मानवर, जितने भी त्यौहार हुए, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ, कुंभ का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ मानवर, हर तरह से मानवर, हर शांतिपूर्ण तरीके से मानवर हर कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है मानवर, जो लगातार प्रदेश की जनता का विश्वास भी इसी आधार पर बढ़ा है मानवर। मानवर अध्यक्ष जी, मैं एक बात विशेष रूप से आपका कहकर मैं आपका अपनी बात को समाप्त करूंगा मानवर। जैसा कि मानवर मैंने शुरू में कहा था कि हमने समाज को कभी टुकड़ों में नहीं देखा, कभी ये व्यवस्था नहीं सोची नहीं कि हम अलग अलग लोगों को बांट के, समाज को बांट के व्यवस्था करें। मानवर कन्या सुमंगला योजना आई, उसमें समाज की प्रत्येक लड़की को बिना ये विचार करे हुए कि कौन किस जाति किस मजहब का है, सारे के सारे लोगों के लिए व्यवस्था की। मानवर हमारे सामने लोग बैठे हैं, मानवर आपकी सरकार में किसी कन्या को दिया जाएगा पैसा, किसी को नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, इसको मना किया जाएगा, ये मानवर हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया। हमने जूते मोजे दिए बच्चों को, स्वेटर दिया तो सभी बच्चों के लिए दिया, ऐसा नहीं किया कि किसी विशेष मजहब की लड़की को इतना दिया गया हो और किसी को न बिल्कुल मना कर दिया गया। हमने विधानसभा में उस वक्त भी मान्यवर पूछा था, हमने कहा किसी विशेष वर्ग के, विशेष समुदाय के, विशेष मजहब के लोगों को अगर पैसा दिया जाए तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में हम पले बढ़े वहां डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है मान्यवर। लेकिन हमारे सामने के लोग बैठे हैं वो इस बात पर बाकायद वो कहते हैं इस बात पर, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि इस आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ कि कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनेगी लेकिन अंत्येष्ट स्थल की बाउंड्री के लिए व्यवस्था नहीं। 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की बाउंड्री को दिया गया, कब्रिस्तान की बाउंड्री बने इसमें आपत्ति नहीं है, न थी न है, लेकिन अंत्येष्ट स्थल की भी बाउंड्री बने ये चाहत, यही चाहत है मानव। और इसलिए हमने शुरू में जैसा आपसे कहा कि हमने बजट को इन टोटलिटी में प्रस्तुत किया, समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो, और खास तौर से गरीब व्यक्ति जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो जरूर उसको लाभान्वित हो। इस आधार पर मानवर ये बजट हमने प्रस्तुत किया है। जहां तक मानवर उस बात को मैं नहीं दोहराऊंगा कि जो हमारे नेताजी यहाँ पर बता गए, अभी जो पर कैपिटा इनकम की बात, प्रदेश की तरक्की का आकलन हमारी समृद्धि से, हमारी पर कैपिटा इनकम से होता है। हमारी पर कैपिटा इनकम 18-19 में मानवर 68,792, ये हमारी पर कैपिटा इनकम है मानवर 18-19 की, जिसमें लेकिन केंद्र से मानवर अभी भी बहुत कम है, और हमको लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर मानवर इस टारगेट को अचीव करना है, ये योगी सरकार का मानवर संकल्प है। मानवर ये हम चार, भारत सरकार के द्वारा चार योजनाओं में हम
हम प्रथम आए हैं मानव, ये 31/1/2020 तक की फिगर है। जनधन योजना में 6,58,04,084, अटल पेंशन योजना में 30,55,615, उत्तर प्रदेश जनधन योजना में प्रथम आया, अटल पेंशन योजना में प्रदेश देश में प्रथम स्थान आया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 31/12/19 तक इसकी जो फिगर है मान्यवर, उसमें है 58,87,127। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का स्थान दूसरा है। और माननीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 34,53,760 लोगों को मानवर लाभान्वित किया गया। मानवर अंत में जो बजट पर हमारा विशेष रूप से फोकस था कि हम युवाओं को आधार मानकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आजकल स्वरोजगार की, आवश्यकता है लोगों को रोजगार देने की, तो उसके लिए कौशल विकास के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि उनका प्लेसमेंट हो जाए और इसी प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हमने इस वर्ष 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके एक युवा हब बनाने की प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक युवा हब ये खोला जाएगा, ताकि ये युवकों को फैसिलिटेट करेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ के लिए किस प्रकार उपयोगी है। अगर वो उद्योग के लिए उपयोगी है तो उद्योग में, और खास तौर से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा करने के लिए हमने कई योजनाओं को डबटेल किया है मानवर, और उसके लिए विभिन्न योजनाओं में लगभग 1,198 करोड़ अर्थात 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इस 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था के तहत हम उन युवाओं को जो खास तौर से प्लेसमेंट चाहते हैं उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर, और जो रोजगार स्वयं स्थापित करना चाहते हैं उनको जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से रोजगार देकर मानवर उनको रोजगार युक्त बनाने का मानवर प्रयास करेंगे। लाखों लोगों को कल आंकड़ा दिया गया, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इस सरकार में रोजगार दिया गया, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, विभिन्न विभागों में हो मानवर, रोजगार दिया गया लोगों को, और आगे भी ये प्रक्रिया मान्यवर जारी रहेगी। और हर हालत में हमारी कोशिश होगी कि कोई भी युवा किसी भी हालत में जो रोजगार चाहता है उसको किसी न किसी रूप में इस युवा विभाग के माध्यम से रोजगार युक्त बनाया जाए, रोजगार के लिए अगर प्लेसमेंट चाहता है तो प्लेसमेंट कराया जाए। मान्यवर, एक बजट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हमारा जो FRBM की एक विशेष रूप से FRBM की निर्धारित सीमा है मान्यवर 3%, तो हमने जो 3% की सीमा हमने लांगी नहीं है, हमारा GSDP का 2.997% है, 53,195.46 करोड़, तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है मान्यवर उसकी सीमा को हमने अंतर्गत रखा है। ये बजट पूरा जनहित में इस प्रदेश की जनता को समर्पित है, और लगातार जिस दिन से मान्यवर योगी की सरकार आई है उस दिन से हर स्तर पर यह कोशिश की गई कि जो पिछली सरकारों में ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, जो 10 सालों में प्रदेश की स्थिति चरमराई हुई थी, इस योगी जी की सरकार में हर तरफ हमारा ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ रहा, हर तरफ दिखाई पड़ रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट का एक एक पैसा उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों के लिए और विकास के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर खर्च हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों को, जिसने भी इस सदन में अपने विचार रखे पक्ष में विपक्ष में, हम सभी लोगों के प्रति माननीय आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस बजट में चर्चा का भाग लेकर हमारे बहुमूल्य सुझाव दिया। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी,